हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कर और आप देख रहे हैं प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, बात करेंगे कोलीहेंस पी टैबलेट के बारे में। जानेंगे ये क्या है, किस चीज़ में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या वार्क करता है और क्या साइड इफेक्ट होता है। तो पूरा डिटेल्स में जानेंगे कोलीहेंस पी के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, कोलीहेंस पी, इसकी आपको मार्केट में 800 mg का और 400 mg का और प्लेन कोलीहेंस भी आपको मार्केट में मिल जाएगा और इसकी इंजेक्शन फॉर्म में भी आपको अवेलेबल है कोलीहेंस का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलीहेंस पी के बारे में। कोलीहेंस पी यानी इसमें दो कंपोनेंट्स आपको मिलेगा, जो कि सिटीकोलिन इसमें 500 mg तक रहेगा और पायरासिटाम आपको 400 mg तक इसके अंदर में मिलेगा। तो कोलीहेंस जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोलीहेंस को ये लारेनॉन लैबोरेटरी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और इसकी MRP आपको 700 रुपया के आसपास पर 10 टैबलेट आपको मिल जाएगा। कुछ अदर ब्रांड नेम के बारे में देखा जाए, आपको सिटी मैक्स पी मैक्लोइड्स का मिल जाएगा और सिटी नर्व पी USB का भी मिल जाएगा। और इसमें जो दो मेन कॉम्पोनेंट्स है, जो कि सिटीकोलिन और पायरासिटाम, ये दोनों की अगर इंडिविजुअली वार्क के बारे में देखा जाए, आपको पता है सिटीकोलिन जो ह्यूमन सेल या जो एनिमल टिश्यू में ज़्यादातर पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में क्या करता है, अगर आपको ये चीज़ में हेल्प करता है, जैसे कि आपको एज से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेमोरी लॉस एज से रिगार्डिंग मेमोरी लॉस, और सबसे पहला इसका यूज जो स्ट्रोक केस में आप ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। और सिटीकोलिन को लेकर के मेरे सेम वीडियो आप देख लेना, इसमें सिटीकोलिन के बारे में पूरा डिटेल्स भी है, आप जाके आई बटन में चेक कीजिएगा। इसमें जो सिटीकोलिन की जो इस्तेमाल ज़्यादातर आपको जो एज से रिगार्डिंग जो मेमोरी लॉस होता है या जो अल्जाइमर की डिजीज़ हो या स्ट्रोक की कंडीशन हो या पार्किंसन डिजीज़ हो, इस सारे कंडीशन में ज़्यादातर सिटीकोलिन की इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो पायरासिटाम जो है, ये क्या करता है, ये आपके लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाता है और आपको जो मेमोरी लॉस को भी ये भी प्रिवेंट करता है और आपके शरीर में जो कॉग्निटिव एनहांस करने में आपको ज़्यादातर पायरासिटाम की यूज़ देखने को मिले। तो उसी हिसाब से अगर कोलीहेंस पी के हम यूज के बारे में देखेंगे, इसकी ज्यादातर इस्तेमाल आपको पहली बात स्ट्रोक में किया जाता है, जो एक्सीडेंटल इंजरी के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो ब्रेन इंजरी हो जाता है, जो ट्रूमा वगैरह की कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपकी अल्जाइमर डिजीज हो या पार्किंसन डिजीज हो, लेजी आई हो या ब्लोपार डिसऑर्डर हो, इस सारे कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल से ये क्या करता है, आपके जो नर्व सेल है, जो ब्रेन में जो नर्व सेल है, उसको ये डैमेज होने से बचाता है और उसी दौरान ये आपके शरीर में काम करता है और आपके जो नर्वस सिस्टम है या जो नर्व सेल है, उसको उसकी जो कॉग्निटिव एनहांस या उसको एनहांस करने में ये ज़्यादातर मदद करता है। और उसके साथ साथ अगर आपकी कुछ नर्व सेल डैमेज भी हो जाते हैं, उसको भी ये रिपेयर करने में आपको मदद करता है। तो अब फ्रेंड्स बात करेंगे ये वर्क कैसे करता है आपके शरीर में। इसमें जो सिटीकोलिन है, ये एक प्रकार की नर्व प्रोटेक्टिव मेडिसिन है, जो कि क्या करता है, आपके नर्व सेल को नर्सिंग बनाकर ये आपके शरीर में ज़्यादातर वर्क करता है। और जो पायरासिटाम है, ये एक प्रकार की गाबा है, यानी गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड है, ये आपके शरीर में जो ब्रेन या जो नर्वस सिस्टम है या जो नर्व सेल है, उसमें क्या करता है, ये ऑक्सीजन कि जो शॉर्टनेस हो जाता है, उसको ये फुलफिल करने में ज़्यादातर मदद करता है। और उसी हिसाब से ये दोनों मेडिसिन की अगर कॉम्बिनेशन आपको दिया जाता है, तो ये दोनों मेडिसिन ये आपके शरीर में इसी तरह से वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या डोज हो सकता है अगर देखा जाए, तो ये ज़्यादातर जो स्ट्रोक के मरीज होते हैं, उनको दिन में 2 टाइम दिया जाता है, खाना खाने के बाद, या आप अपना डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ साइड इफेक्ट के बारे में देखा जाए, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, तो इसमें ज़्यादातर आपको वेट गेन हो सकता है, आपको नर्वसनेस फील हो सकता है या हाइपर एक्टिव आपके अंदर डेवलप हो सकता है, स्टोमक पेन हो सकता है, गैस्ट्राइटिस की समस्या भी आपको हो सकता है और डायरिया या आपके ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आप अगर कोलीहेंस भी यूज करते हैं तो आपको हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था कोलीहेंस पी के बारे में कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जरूर होगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रो लाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।